हेलो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित मेरा वीडियो है और ये सोशियोलॉजी में नए विचारक के रूप में इंक्लूड किया गया है। और भारतीय बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, वो एक जगह संकलित किए जाएं। और आप YouTube पे और भी लोगों के देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आधारित वीडियो, और आप सब कहीं से अच्छी जानकारी लीजिए और UGC नेट में अपना बेस्ट दीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुआ था। तो 1891 में भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय अंग्रेज़ों की फ़ौज में इनके पिताजी काम करते थे, तो वहीं छावनी में इनका जन्म हुआ। तो दूसरा पॉइंट देखिए, जो था भीमा बाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था श्रीमती रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था श्रीमती सविता अंबेडकर। और इनका विवाह काफ़ी कम उम्र में हो गया था, जब इनकी उम्र 17 साल की थी और रमाबाई करीब 9 साल की थी। और वो काफ़ी बीमार रहती थी, उनकी मृत्यु के बाद इनकी शादी डॉक्टर शारदा कबीर से हुई, जो बाद में श्रीमती सविता अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुई। फोर्थ पॉइंट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उदय, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नामक ग्रंथ का प्रकाशन लंदन के पीएस किंग एंड सन्स प्रकाशन द्वारा किया गया। तो काफ़ी फेमस ग्रंथ था जो लंदन में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाँचवा पॉइंट, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि दी गई, PhD, कोलंबिया विश्वविद्यालय था। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय USA का काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय था, जहाँ इन्होंने एडमिशन लिया और PhD की डिग्री पूरी की। नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया शोध लिखकर जून 1921 में MSc की उपाधि हासिल की। तो इन्होंने कोलंबिया से तो PhD की थी, है ना, तो वो डॉक्टर ऑफ फिलासफी, और इन्होंने साइंस से भी MSc करी और PhD भी करी, वो लंदन से करा। तो उसका टॉपिक क्या था MSc में, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये रिसर्च वर्क इनका था MSc में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेवन्थ, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी शोध प्रबंध डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी काफ़ी फेमस है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है रिसर्च वर्क था इनका डॉक्टर ऑफ साइंस यानी PhD साइंस में करने के लिए इन्होंने टॉपिक लिया था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आठवां पॉइंट देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चौदार तालाब का पानी 20 मार्च 1927 को पिया था। तो ये चौदार का मतलब मराठी में था मीठा, मीठा तालाब मतलब पीने लायक पानी। तो वहाँ पे ये उस समय ये था कि उस तालाब से ये जो अस्पृश्य लोग या अछूत लोग जिनको माना जाता था, वो पानी नहीं पी सकते थे और सब लोग उसमें पी सकते थे, यहाँ तक कि सवर्ण लोगों के जानवर भी उसमें पानी पी सकते थे, लेकिन ये अछूत लोग उससे पानी नहीं पी सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी इन लोगों को दुख और महसूस होता होगा। तो उसी में इन्होंने 20 मार्च 1927 को एक जुलूस निकाला और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई और सबने उसमें पानी पिया। उसके खातिर उसके बदले में वहाँ के सवर्ण लोगों ने बाद में काफ़ी इन लोगों का विरोध किया और काफ़ी लड़ाई भी हुई, लेकिन अंततः केस हुआ और इन अस्पृश्य लोगों की जीत हुई कोर्ट से।
तो इस तरीके से चौदार तालाब का जो एक तरीके से आंदोलन था वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके जीवन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9th, बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक समाचार पत्र इन्होंने 3 अप्रैल 1927 से निकालना शुरू किया था। बहिष्कृत भारत पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां, समता समाज संघ नामक संस्था की स्थापना। समता समाज संघ नामक संस्था की स्थापना इन्होंने 1927 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट 11वां, पूना पैक्ट का समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, किसके, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, ये यरवदा जेल में हुआ था। तो पूना पैक्ट इनके जीवन की काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना है, और ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफ़ी पढ़ाया जाता है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 की घटना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी 1936 में। नेक्स्ट पॉइंट, काला राम मंदिर सत्याग्रह, ये भी काफ़ी फेमस है इनके जीवन में। काला राम मंदिर सत्याग्रह चला 2 मार्च 1930 से 19 अक्टूबर 1930 तक नासिक में। तो काला राम मंदिर सत्याग्रह से संबंधित क्या था कि मंदिर में इन लोगों का प्रवेश वर्जित था। तो थे तो ये हिंदू, लेकिन उसमें मंदिर में प्रवेश से वर्जित था, तो इसीलिए हिंदू धर्म के काफ़ी खिलाफ हो गए थे, और काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके इन्होंने कोशिश की कि मंदिर में प्रवेश किया जाए, लेकिन लोगों ने इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। तो वही सत्याग्रह, काला राम मंदिर सत्याग्रह है। और यहाँ भी जो है न्यायालय से इनको, इनके पक्ष में आया फैसला। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो बाबा साहेब के कुछ कथन हैं काफ़ी फेमस हैं। पहला है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ यह मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दो मजदूरों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये दोनों समता स्वतंत्रता वह बंधुता के विरुद्ध हैं। कौन, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, इन दोनों को, इन्होंने कहा मजदूरों के दुश्मन है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कथन देखिए इनका, अगला कथन काफ़ी फेमस है ये। मेरा आपको एक ही संदेश है, पढ़ो, संगठित बनो, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी बनो और आशावादी बनो। ये इनका कथन काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला देखिए, भारत का अस्पृश्य वर्ग सुसंस्कृत विश्व को पुकार रहा है, इसलिए वे अस्पृश्य वर्ग की यह समस्या हल करने के लिए मानवता के स्तर पर अपना पुनीत कर्तव्य निभाएं। मतलब जो उस समय अस्पृश्य अछूत लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो कल जो दुनिया में लोग अपने को बहुत सुसंस्कृत कह रहे हैं या कल्चर्ड कह रहे हैं, वो आए और इस समस्या का हल करें। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अंबेडकर जी का कथन है। उन्होंने कहा था, गांधी जी की मोहिनी विद्या मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकी, ये भी इनका कथन है। नेक्स्ट कथन देखिए, मुझे हिंदी भाषा आती है, किंतु तो अफसोस की बात है कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी भाषा के दुश्मन हैं। नेक्स्ट देखिए, उस देश में जन्म लेना बड़ा पाप है जिस देश में प्रचुर मात्रा में पूर्वाग्रह दूषित मानसिकता के लोग रहते हों। तो उन्होंने ये कथन क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही भेदभाव देखा था हर एक जगह में, स्कूल में, पानी पीने में, नौकरी में, यात्रा में, सफ़र करने में, हर एक जगह उनके साथ भेदभाव हुआ। तो उसी से उन्होंने इस तरीके का कथन दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाबा साहब से संबंधित, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने जो है हिंदू धर्म से बहुत ही कहा कि ये बहुत भेदभावपूर्ण है, और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था 25 दिसंबर को। उसकी जगह नई
स्मृति लाने को कहा था और इसको भेदभावपूर्ण बताया था। वो बताया था ये जो है अस्पृश्य या छूत या दलित लोगों के बिल्कुल खिलाफ है, तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले कुशीनगर के महास्थिर चंद्रमणि थे, जो इनके गुरु थे जिन्होंने इनको दीक्षा दी। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान थे कि वायसराय लाल लिनलिथको ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हैं। आपको मालूम है इन्होंने काफ़ी कई यूनिवर्सिटीज से काफ़ी डिग्रीज ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1954 में रंगून में आयोजित विश्व बौद्ध भ्रातत्व सम्मेलन में भिक्षु संघ ने डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व बोधिसत्व कहकर संबोधित किया था, इसलिए इनके नाम के साथ बोधिसत्व भी लगाया रहता है। 18वां पॉइंट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को अलीपुर रोड दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार हुआ मुंबई में, वो भी बौद्ध धर्म के अनुसार, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वीर सावरकर जी ने भी कहा है अम्बेडकर के बारे में कि अम्बेडकर के निधन से भारत एक सच्चे महापुरुष से वंचित हुआ है, ये वीर सावरकर जी ने कहा है अम्बेडकर के बारे में। नेक्स्ट, अम्बेडकर जी को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री वीपी सिंह जी थे, 1990 में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के जब 250 वर्ष हो गए तो उसने 250 वर्ष की वर्षगांठ में उसने अपने तब तक के महान प्रसिद्ध 50 छात्रों के नाम प्रकाशित किए थे, जिसमें से अंबेडकर जी का भी नाम था, और उनके इसलिए दिया था कि इन छात्रों ने दुनिया को बदलने के लिए महानतम कार्य किया है। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कहा था द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बुद्धिमान थे, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इसलिए तो इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपनी लिस्ट में छांटा और फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। नेक्स्ट पॉइंट, नागपुर में बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उनके साथ 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो भी कहाँ किया, नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो प्रोफेसर रहे कहाँ, सिडेनहम कॉलेज, सिडेनहम कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बराक ओबामा ने भी इनके बारे में कहा था, यदि डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। ये डॉक्टर बराक ओबामा ने कहा, जो भूतपूर्व यूएसए के राष्ट्रपति रहे हैं। और अब देखिए कुछ इनकी बुक्स हैं जो मैंने एक जगह इनलिस्टेड कर दी हैं, तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय अंश 1916 में, भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण 1916, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार 1917, मूल नायक साप्ताहिक था 1920, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921, रुपए की समस्या उद्भव और समाधान 1923, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय 1925, बहिष्कृत भारत साप्ताहिक था 1927, जनता साप्ताहिक था 1930, जाति विच्छेद 1937, संघ बनाम स्वतंत्रता 1939, पाकिस्तान पर विचार 1940, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति 1942,
राणा डे गांधी और जिन्ना 1943। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945। शूद्र कौन और कैसे 1948। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत 1948। भगवान बुद्ध और उनका धर्म धर्म 1957। हिंदुओं ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया, तो इस किताब को उन्होंने ग्रंथ को लिखना शुरू किया 1942 में। और लास्ट द रिडल ऑफ हिंदुइज्म दिसंबर 1954 में इन्होंने शुरू की। तो इतना ये फेमस काफ़ी बुक है इनकी। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।